हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स चैप्टर मैरी लेग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि मिस्टर बमफेल्ड द वीका होता है पादरी। जो मिस्टर बमफेल्ड है वो क्या है, एक पादरी है। हैड ए लार्ज फैमिली और बॉयज एंड गर्ल्स, जिसके घर में क्या है कि एक का फैमिली जो है वो लार्ज है, जिसमें उसके क्या रहते हैं, बॉयज और गर्ल्स रहते हैं। समटाइम्स कई बार दे यूज टू कम, वो आया करते थे, एंड प्ले विद मिस जैसी एंड फ्लोरा, वो मिस जैसी और फ्लोरा के साथ खेला करते थे। वन ऑफ द गर्ल्स में से एक वॉज एन ओल्ड एज ओल्ड मिस जैसी, उनमें से मिस जैसी क्या थे, सबसे बुजुर्ग थे। टू बॉयज वर एल्डर, उससे दो बॉयज थे वो क्या थे, बड़े थे। देयर वर सेवरल लिटल वंस, और कई उससे क्या थे, छोटे थे। व्हेन दे केम, जब वो आए, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वर्क फॉर मैरीलेग्स, मैरीलेग्स के लिए क्या था, बहुत सा काम था। फॉर नथिंग प्लीज, कोई भी खुश नहीं हुआ देम, उनमें से सो मच था कि एज गेटिंग ऑन हिम, जो उनको सवारी क्रॉस के बाय टर्म्स, बारी बारी से उनको सवारी क्रॉस के, अगर उनको राइडिंग सवारी क्रॉस के, हिम ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड होता है जो बगीचा होता है उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो पूरे बगीचे में से जो है उसको सवारी क्रॉस के, एंड आउट द होम पैडॉक, और जो मंडू का घर है वहाँ तक उसको जो है घोड़े पर बैठा करके सवारी क्रॉस के। एंड दिस, और इसे दे वुड डू बाय द आवर टुगेदर, इस तरह जो है क्या है वो कुछ समय जो है इकट्ठा बिता सकेंगे। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, दे हैड बीन आउट विद देम, वो उनके साथ गए ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद। एंड वेन, और जब जेम्स ब्रॉट हिम, जब जेम्स उनके पास आया, एंड पुट ऑन हिज हेल्टर, एल्टर होता है लगाम, और लगाम को थामा, एंड सेट, और कहा, देयर यू रेग्यू, रेग्यू होता है, रेग्यू होता है ठग, आप ठग हो। माइंड हाउ, याद रखो, हाउ यू बिहेव योरसेल्फ, आप स्वयं से कैसे व्यवहार करते हो, और या वी शैल गेट इनटू ट्रबल, या हम खतरे में पड़ जाएंगे। व्हाट हैव You been doing, आप क्या कर रहे हो। मैरीलेग्स आई आस्क्ड, मैंने कहा, ओ अरे, सेड ही, उसने कहा, टॉसिंग हिज लिटल हेड, अपना लिटल हेड को टॉस करते हुए, आई हैव ओनली बीन गिविंग, आई हैव ओनली बीन गिविंग, मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ, दोज यंग पीपल, इन यंग पीपल्स को ए लेसन, एक शिक्षा, यहाँ पे लेसन का मीनिंग क्या बनेगा, शिक्षा, मैं इन लोगों को सिर्फ एक शिक्षा दे रहा हूँ। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते, when they had enough, ये केवल उनके लिए ही काफी होता। एंड नोर वैन, जब आई हैड इनफ, ये सिर्फ मेरे लिए ही काफी होता। सो इसलिए आई जस्ट पिच्ड, पिच का मतलब होता है पिच करना, मैंने उनको जस्ट पिच किया। देम ऑफ बैकवर्ड, पीछे की तरफ, दैट वॉज द ओनली थिंग, ये सिर्फ एक चीज थी, दे वे कोड अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक केवल क्या थी, चीज थी जिसको वो समझ सके। व्हाट, क्या, आई सेड, आई, मैंने कहा, यू थ्रू, आपने थ्रो कर दिया, फेंक दिया, द चिल्ड्रन, बच्चों को आपने क्या कर दिया, फेंक दिया, गिरा दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, यू डिड नो, आप नहीं जानते, दैट देन बेटर, आप इससे अच्छा नहीं जानते। डिड यू थ्रो, क्या आपने को थ्रो किया, मिस जैसी और मिस फ्लोरा, क्या आपने मिस जैसी और मिस फ्लोरा को फेंका। ही लुक्ड वेरी मच ऑफेंडेड, ही लुक्ड, उसने देखा, ऑफेंडेड मीन्स होता है अपमानित स्वभाव से, उसने जो है अपमानित हाव भाव से देखा। एंड सेड, और कहा, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, संदेह नहीं, आई वुड नॉट, मैं नहीं करूंगा, डू सच थिंग, इन चीजों को, फॉर द बेस्ट ऑर्ड्स, बेस्ट ऑर्ड्स होती है जई, दैट इवर कम्स इन टू स्टेबल,
जो स्टेबल होता है घोड़े बांधने का स्थान, जो कोई भी घोड़े बांधने के स्थान में आएगा। वाई, क्यों? आई एम एज केयरफुल, मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, केयरफुल हूं ऑफ योर यंग लेडीज, यंग लेडीज की तरह। एज द मास्टर कुड बी, जैसा कि मास्टर। एज फॉर द लिटल वंस, जैसे कि छोटे बच्चे। इट इज आई हु टीच देम टू राइड, मैं क्या करूंगा, उनको सवारी करना सिखाऊंगा। वेन दे सीम स्कारेड, जब मुझे लगेगा कि वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। और लिटल अनस्टडी, अनस्टडी का मतलब होता है, लिटिल का मतलब थोड़ा और अनस्टडी का मतलब होता है अस्थिर, जो सही ढंग से ना बैठना, अस्थिर। यानी मैं उन्हें बताऊंगा कब, या वो जब डर जाएंगे, या वो जो है वो सही ढंग से क्या नहीं करेंगे, ऑन माई बैक, जब मेरी पीठ पे नहीं बैठेंगे। आई गो एज, मैं जाऊंगा जैसे। स्मूथ, स्मूथ होता है बिल्कुल स्ट्रेट। एंड क्वाइट एज क्वाइट ओल्ड पूसी, और इतना धीमे चलूंगा जैसे कि पुरानी बिल्ली चलती है। When, जब सी इज आफ्टर ए बर्ड, when सी इज आफ्टर ए बर्ड, जैसे जब वो एक पक्षी के पीछे पीछे। एंड वेन दे ऑल राइट, आई गो ऑन अगेन फास्ट, तब मैं क्या करूंगा, थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा। यू सी, तुम देखते हो। जस्ट टू यूज देम इट, उनको यूज करते हुए। सो डोंट यू ट्रेवल, डोंट ट्रेवल खतरे में मत डालो। सो डोंट यू ट्रेवल योर सेल्फ एडवाइजिंग मी, कि मेरी जो आपको सलाह है कि आप स्वयं को खतरे मत डालो। आई एम द बेस्ट फ्रेंड, मैं क्या हूँ, उनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड द बेस्ट राइडिंग, और मैं क्या हूँ, बेस्ट राइडिंग हूँ। मास्टर दोस्त चिल्ड्रन हैव, उन बच्चों का क्या हूँ, मैं सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ और सबसे अच्छा राइडिंग हूँ। इट इज नॉट देन, ये उनके लिए नहीं है। इट इज द बॉयज, ये बच्चों के लिए। सैड ही, उसने कहा। शेकिंग हिज मैन, अपने मैन को हिलाते हुए। बॉयज यू आर क्वाइट डिफरेंट, आप क्या हो, क्वाइट हो। दे मस्ट बी ब्रोकन इन, ब्रोकन इन का मतलब होता है परिचित होना, वो आपस में क्या दूसरे परिचित थी। एज वी वर ब्रोकन इन वेन वी वर क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का मतलब होता है बछेड़ा। एंड जस्ट, और जस्ट बी टॉट, पढ़ाया गया। व्हाट व्हाट क्या। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे। हैड रिडन मी अबाउट, जो है दूसरे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं किसके बारे में, राइड के बारे में, सवारी के बारे में। फॉर नियरली 2 आवर्स, लगभग 2 घंटों से। एंड देन, और तब द बॉयज थॉट, बच्चों ने सोचा। इट वॉज देयर टर्न, ये उनकी बारी थी। एंड सो इट वॉज, ये था। एंड आवर, आई वॉज क्वाइट एग्रीबल, मैं इसे क्या हो, थोड़ा सहमत हो गया था। दे रोड मी, उन्होंने मेरे से क्या की, मेरे पे सवारी की। बाई टर्न्स, बाई टर्न्स होता है बारी बारी से। एंड आई रन फास्ट, मैंने फास्ट रन किया, मैं फास्ट दौड़ा। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन द फील्ड्स, फील्ड्स की तरफ से। एंड ऑल अबाउट द ऑर्चर्ड, और जो है पूरे बागी, तब से मैंने क्या किया, फील्ड्स में इनमें क्या किया, अप एंड डाउन किया। 4 आवर्स, ए गुड आवर, एक अच्छा आवर्स का होता है समय, घंटा। दे हैड ईच कट ए ग्रेट हेजल, हेजल का मीनिंग होता है छोटा पेड़ा, क्या होता है छोटा पेड़ा। उन्होंने, दे हैड ईच कट, उन्होंने एक दूसरे ऐसे काटा जैसे कि छोटा पेड़ा। स्टिक फॉर ए राइडिंग व्हिप, व्हिप का मतलब होता है घोड़ा, जो घोड़े को चलाने के लिए, जो एक उसका मालिक, जब घोड़ा धीरे चलता है तो उसका मालिक जिस चीज उसको प्रहार करता है उस चीज को हम व्हिप बोलते हैं। एंड लेट इट ऑन ए लिटिल टू हार्ड, बट परंतु आई टुक इट इन गुड पार्ट, मैंने इसको क्या किया, आई टुक इट इन गुड, मैंने इसको पार्ट, अच्छे पार्ट में इसको लिया। टिल तक, एट लास्ट, आखिर तक मैंने इसको अच्छे पार्ट में लिया। आई थॉट, मैंने सोचा। वी हैड हैड इनफ, ये हमारे लिए काफी था। सो आई स्टॉप्ड 2 और 3 टाइम्स, मैं कितने टाइम रुका, 2 और 3 टाइम्स, बाई वे ऑफ ए हिंट, एक हिंट में। बॉयज, बॉयज यू यू सी, आप देखते हो। थिंक ए हॉर्स और ए पोनी, हॉर्स का मतलब घोड़ा और पोनी का मतलब होता है छोटा घोड़ा, यानी जो घोड़े से जो छोटा घोड़ा उसको पोनी बोलते हैं। आप देखते हो किसको, ए हॉर्स और ए पोनी, लाइक ए स्टीम इंजन, कैसे कहते हैं वो, स्टीम इंजन की तरह दिखाई देते हैं, भाप इंजन की तरह दिखाई देते हैं। एंड कैन गो
ऑन एज लॉन्ग एज, और वो एक लंबी दूरी तय कर सकते हैं एज फास्ट दे प्लीज, यानी जितना वो फास्ट खुशी से अपनी जो खुशी से जितना फास्ट होता है उतना वो खुशी से क्या करते हैं तेज दौड़ते हैं। दे नेवर थिंक दैट, वो कभी नहीं सोचते ए पोनी कैन गेट टायर्ड, कि एक पोनी जो है वो थक चुका है, और हैव एनी फीलिंग्स, और किसी तरह की क्या है उसमें कोई भावनाएं हैं, फीलिंग होते हैं भावनाएं। सो एज द वन हु वॉज वीपिंग, वीपिंग होता है जो कोड़े से मारना, और एक जो उसको कोड़े से मारा था, मी कुड नॉट बी अंडरस्टैंड, वो मुझे नहीं समझ सका, आई जस्ट रोज अप, मैं कुछ रुका, माई हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स मतलब पीछे के पैर, एंड लेट हिम स्लिप ऑफ बैंड, और उसको क्या किया पीछे की तरफ क्या कर दिया उसको स्लिप ऑफ गिरा दिया। दैट वॉज ऑल, सिर्फ यही काफी था, ही मॉन्टेड मी अगेन, मतलब घुड़सवार होना, वो मुझ पर दूसरा द्वारा क्या हुआ सवारी की उसने, घुड़सवारी की, एंड आई डिड दी सेम, फिर मैंने क्या किया वही किया, कैसे कि मैंने उसको जो है वापस घोड़े से गिरा दिया। घोड़ा कहता है कि उसने जो है दोबारा जो पहले मैंने उसको घोड़े से अपने जो स्थान है पीठ है उससे गिरा दिया, और दोबारा जो है उसने फिर जो है मेरे पे सवारी की, तो मैंने क्या किया आई डिड दिस सेम, मैंने फिर वही काम है दोबारा दोहराया और उसको वापस से गिरा दिया। आगे चलते हैं, देन द अदर बॉय गॉट अप, तब दूसरा बॉयज क्या हुआ उस पर चढ़ा, एज सून एज ही बिगेन यूज टू इट स्टिक, जैसे ही उसने घोड़े को चलाने के लिए स्टिक का यूज किया, आई लेड हिम ऑन द ग्रास, मैंने उसको क्या कहाँ गिरा दिया ग्रास पे गिरा दिया, एंड और सो ऑन टिल, और जाहिर रखा दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का समझा जब तक वो इस बात को समझते हैं, दैट वॉज ऑल, दे आर नॉट बैड बॉयज, वो बैड बॉयज नहीं थे, दे डोंट वेस्ट बी टू बी क्रूअल, और उनकी इच्छा भी ये नहीं थी कि वो निर्दयी बने, निर्दयी मतलब होता है किसी पे दया न करना। आई लाइक देम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत ही लाइक करता हूँ, बट यू सी आप देखते हो आई हैड टू गिव हिम ए लेसन, कि मुझे उन्हें शिक्षा देनी ही पड़ी, लेसन होता है शिक्षा देना। वेन दे ब्रॉट मी जेम्स एंड टोल्ड हिम, जब वो मेरे पास आए और मुझे बताया, आई थिंक मैं सोचता हूँ ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था, टू सी सच बिग स्टिक, वो इतनी बड़ी स्टिक को देखकर बहुत अधिक गुस्से में हुआ। ही सेड, उसने कहा देवर ओनली फिट फॉर ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स होते हैं, देवर फिट, फिट का मतलब सही, और ड्रॉवर्स होते हैं चारवा, वो क्या थे, ही सेड, उसने कहा देवर ओनली फिट, वो सिर्फ किस चीज के लिए फिट है, ड्रॉवर्स के लिए फिट है, चारवा के लिए ही फिट है, एंड नॉट फॉर यंग जेंटलमैन, और वो किस चीज के लिए फिट नहीं है, जेंटलमैन के लिए, सभ्य पुरुष के लिए। इफ आई हैड बीन यू, इसका मतलब है बीन यू मतलब मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता, सेड द गिंजर, गिंजर ने कहा आई वुड हैव गिवन दोज बॉयज ए गुड स्टिक, मैं उनको कहता अच्छी स्टिक देता, एंड दैट वुड हैव गिवन देम ए लेसन, और उन्हें क्या करता है शिक्षा सिखाता, उनको एक अच्छी शिक्षा देता। नो डाउट, इस बात में कोई डाउट नहीं है, यू वुड आप ऐसा करते, सैड मैरी लेग्स, मैरी लेग्स ने कहा, बट देन परंतु तब, आई एम नॉट क्वाइट, मैं चुप नहीं रहता, सच ए फूल एज एंगर, एंगर का मतलब है गुस्से में, आवर मास्टर एंड मास्टर, आवर मास्टर हमारा मालिक, और मेक जेम्स असेंड, असेंड होता है शर्म आना ऑफ मी, इस पर मुझे क्या है शर्म आई, बिसाइड इसके बदले में दो चिल्ड्रन, वो बच्चे आर अंडर माई चार्ज, जो बच्चे मेरे चार्ज के अंदर थे, व्हेन दे आर राइडिंग, जब वो सवारी कर रहे थे, आई टेल यू मैं तुम्हें बताता हूँ, दे आर एंड्रस्टेड टू मी, दे आर एंड्रस्टेड मतलब होता है जिम्मेवारी सौंपना, उन्होंने दे आर एंड्रस्टेड टू मी, तो उनकी जिम्मेवारी किस पे थी, मुझ पर थी, वाई क्यों नहीं, ओनली द अदर डे, दूसरे दिन की तरफ, आई हार्ड अवर मास्टर, मैंने अपने मास्टर की बात को सुना, से टू मिस्टर ब्लूमफील्ड, ब्लूमफील्ड को बोलते हुए मैंने इसको सुना, माई डियर मैडम यू नीड नॉट, आपको जरूरत नहीं है किस चीज की, बी एन एक्सिस उत्सुक होने की, अबाउट द चिल्ड्रन बच्चों की तरफ, माई ओल्ड मैरिलैग्स मेरे जो माई ओल्ड मैरिलैग्स मेरे मैरिलैग्स विल टेक एज मच एज केयर ऑफ देम एज यू
और आई कुड, या तो आप इसको कर सकते हो या इसको मैं कर सकता हूँ। आई शी श्योर, मुझे विश्वास है। यू वुड नॉट सेल, आप इसको सेल नहीं करोगे। दैट पोनी, पोनी को, फॉर एनी मनी, कि किसी भी कीमत पर, जो आप ये घोड़े का छोटा बच्चा है इसको सेल नहीं करोगे। ही इज सो प्रेटी फुल, वो क्या है, बहुत ही परफेक्ट फुल और गुड, क्या है वो, गुड नेचर्ड एंड फैथफुल, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत ही अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। डू यू थिंक, आप सोचते, क्या आप सोचते हो, आई एम सच एंड ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल होता है किसी बात को न माना, अगर कह रही न होना, नॉट इन गुड नेचर, क्या आप मानती हो कि मैं, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मैं अनग्रेटफुल हूँ। ब्राउड, ब्राउड मीन्स होता है, ब्राउड मीन्स होता है निर्दयी, या मैं निर्दयी हूँ। एज टू फॉरगेट ऑल काइंड ट्रीटमेंट, और मैं सभी प्रकार के काइंड ट्रीटमेंट को भूल गया हूँ। आई हैव हैड हेयर फॉर 5 ईयर्स, मैं यहाँ पे कितने सालों से रह रहा हूँ, 5 ईयर्स से रह रहा हूँ। एंड ऑल दैट ट्रस्ट दे प्लेस इन मी एंड टर्न्स विकिशियस, विकिशियस होता है आक्रमणकारी, एंट्रेंस विकिशियस, और वो क्या बोलता है, आक्रमणकारी बन चुका है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ए कपल ऑफ इग्नोरेंट बॉयज यूज मी बैडली, तो कुछ एक लोग थे, कुछ एक बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। नो नो, नहीं, यू नेवर हैड ए गुड प्लेस, यू नेवर हैड ए गुड प्लेस, आपको कभी अच्छा स्थान नहीं मिलता। वेयर, जहाँ दे वर काइंड टू यू, वो आपके तरफ क्या थे, दयालु थे। एंड और सो यू डिड डोंट नो, आप नहीं जानते, एम आई सॉरी फॉर यू, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। बट कैन टेल मी, टेल यू, बट आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। गुड प्लेसेस मेक्स गुड हॉर्सेज, तो गुड प्लेसेस क्या होते हैं, गुड प्लेसेस मेक्स गुड हॉर्सेज, तो अच्छे स्थान है वहाँ, क्या है, अच्छे हॉर्सेज रखे जाते हैं। आई वुड नॉट वैक्स आवर पीपल, आई वुड नॉट वैक्स आवर पीपल फॉर एनी थिंग, मैं जो है, आई वुड नॉट वैक्स अवर पीपल, हमारे पीपल को मैं वैक्स नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। आई लव देम, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। आई डू, मैं उनसे करता रहूंगा। सेड मैरीग्लेग्स ने कहा। बिसाइड्स, इसके पीछे, ही वेंट ऑन, वो चला गया। इफ आई टुक टू केक, यदि मैं उनको केक मारता, वेयर शुड आई बी, जो मुझे से, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, वाई, क्यों। सॉल्ट ऑफ इन ए जिफी, जिफी का मतलब होता है पल, पल भरक, एक समय के लिए, कुछ 1 मिनट के लिए। सॉल्ट ऑफ, इस चीज को भूल जाओ आप, एक समय के लिए चीज को भूल जाओ। एंड नो करेक्टर, और कोई करेक्टर नहीं। आई माइट फाइंड माई सेल्फ स्लेव्ड, और मैंने खुद को पाया दास के रूप में। अबाउट अंडर द बचर्स बॉय, एक जो बचर होता है मांस काटने, मांसाहारी का जो बच्चा है उसके नीचे। एंड और वर्कड, काम किया। टू डेथ एट सम सी साइड्स, और सी साइड्स तरफ से मैंने काम किया। प्लेस वेयर नो वन केयर फॉर मी, तो मुझे कोई देखभाल नहीं करता था। एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट हाउ फास्ट, कितनी तेज, आई कुड गो, कि मैं कितना तेज जा सकता हूँ। और बी फ्लॉग्ड अलोंग इन सम कार्ट, फ्लॉग्ड होता है कोड़े मारना, और बी फ्लॉग्ड अलोंग सम कार्ट, कि जो है मुझे कार्ट के अंदर, जो कार्ट है गाड़ी, उसमें मुझे क्या बताया, कोड़े मार जाते हैं। विथ थ्री और फोर ग्रेट मैन, 3 या 4 लोग, इन इट गोइंग आउट फॉर संडे स्पैरी, कि जो स्पैरी होता है फिजूल खर्ची, कि जब संडे को लोग फिजूल खर्ची के लिए मार्ग दे जाते हैं, तो 3 से 4 लोग जो है मुझ पर सवार होते हैं और मुझे क्या मारते हैं, कोड़े मारते हैं। एज आई हैव ऑफन सीन, मैं अक्सर ऐसे स्थानों को देखता हूँ, इन द प्लेस स्थानों को। आई लिव्ड इन बिफोर, जिसे मैं पहले रहता था। केम हेयर, यहाँ आया। नो, नहीं। सेड द शेकिंग हिज हैंड, अपने हिलाते हुए, इसने सिर हिलाते हुए कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। आई शैल नेवर कम टू दैट, कि मैं उस स्थान पर कभी वापस नहीं जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन आपका, और सबसे पहले आपसी बच्चों ने इसको जो है अच्छी तरह से, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ इसकी अपनी इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग करनी है, और उसके बाद में जो टिक था करेक्ट हैं और क्वेश्चन से, ये मैंने आपको नीचे जो है पीडीएफ के रूप में सेंड कर दिए हैं। तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर्स और ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको अपनी फिर नोटबुक में राइट करना है अच्छी हैंडराइटिंग के साथ।
स्टूडेंट्स दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।